Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning maths by Brain Root series. Here is a book and the name of your book is Mathematics World Wins. And this is Primer. Now, today we will learn chapter number 2 and the name of the chapter is The Number System. So let's see what is number system. Number system क्या होता है? तो first one is even number. Even number क्या होता है? Let's see. The numbers which are exactly divisible by 2. ऐसे numbers जो पूरी तरह से 2 से divide हो सके, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं. मींस वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं. तो सबको आती है 2 की टेबल? यस. सो द नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. तो ये सारे नंबर्स जो मैंने अभी बोले हैं ये 2 की टेबल में आते हैं ना. तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर्स हैं. इवन नंबर्स हैव डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 एट देयर वंस प्लेस. सो ये जो इवन नंबर्स हैं इनका जो वंस प्लेस होता है वहां पे आपको ये नंबर्स दिखाई देंगे. अगर ये नंबर्स दिखते हैं तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो एक इवन नंबर है. कैसे? चलिए देखते हैं. मैंने एक नंबर लिखा 24. तो अब हम देखेंगे 24 में 4 कहाँ है? वंस प्लेस पे और 2 है टेंस प्लेस पे. हमें कौन सा नंबर देखना है? वंस प्लेस के नंबर को देखना है. तो वंस प्लेस पे है 4. अब आप देखो क्या ये 4 यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? यस, यहाँ पे है 4. इसका मतलब ये जो नंबर 24 है ये एक इवन नंबर है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं 36. अब यहाँ पे भी देखेंगे 6 है वंस प्लेस पे और 3 है टेंस प्लेस पे. अब वंस प्लेस पे क्योंकि 6 है तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या 6 यहाँ पे इस लिस्ट में कहीं पे है. तो चलिए देखते हैं. यस, यहाँ पे है 6. तो इसका मतलब ये जो नंबर है 36 ये भी एक इवन नंबर है. सो वो सारे नंबर्स जो 0, 2, 4, 6, 8 जिनके लास्ट में मींस वंस प्लेस पे आता है वो सारे नंबर्स क्या हो गए? इवन नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब 2 की टेबल में नहीं आते, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स. दे आर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and so on. So odd numbers have digits like 1, 3, 5, 7 and 9 at their ones place. तो जैसे हमने even numbers को पहचाना वैसे ही हमें ऑड नंबर्स को पहचानना है. हमें इसमें देखना है कि एक नंबर है 24 और अब हम इसके वंस और टेंस प्लेस को देखेंगे. तो वंस प्लेस क्या है? 4. तो 4 क्या यहाँ पे आ रहा है? नो. क्या यहाँ पे आ रहा है? यस. तो क्योंकि 4 यहाँ पे है इवन नंबर के कॉलम में तो ये जो नंबर हमारे सामने है 24 ये एक इवन नंबर है. अगला नंबर लेते हैं 27. अब 27 को जब हम देखेंगे तो 7 मींस जो लास्ट नंबर है जो वंस प्लेस है
वो क्या है? 7. तो अब हमने 7 को देखा, क्या 7 इस लिस्ट में कहीं पे आ रहा है? यस, यहां है 7. तो दिस नंबर 27 इज ऑड नंबर. ये 27 क्या है? ऑड नंबर. तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब 2 के टेबल में नहीं आते हैं. और कौन से हैं वो नंबर्स? 1, 3, 5, 7, 9. सो दीज आर द ऑड एंड द इवन नंबर्स. नाउ थर्ड वन इज प्राइम नंबर्स. अब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं. क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. द फॉलोइंग आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं कहाँ से? 1 से लेके 100 तक. तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, मींस 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं? सो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. सो 2 जो है 1 की टेबल में आता है एंड खुद की टेबल में आता है. नेक्स्ट नंबर इज 3. सेम विथ 3, 3 भी जो है 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है. नेक्स्ट नंबर इज 5. तो 5 भी 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है. ओके, बीच में था एक नंबर 4. अब आप कहोगे मैम 4 क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 4 1 की टेबल में तो आता ही है, इसके अलावा वो 2 की टेबल में भी आता है. 2 2s are 4. और इसके अलावा वो 4 की टेबल में आता है. 4 1s are 4. तो 4 जो है खुद की और 1 की टेबल में आता है, बट वो 2 की टेबल में भी आता है, इसलिए उसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा है. तो यहाँ पे वही नंबर्स लिखे हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं. नेक्स्ट नंबर इज 7. नेक्स्ट इज 11. 13. 17. 19. 23. 29, 30, 31, 37, 41, 42, 43, 50, 61, 67, 71, 73, 79, 80, 83, 89, and 97. So these all are what? These all are prime numbers. The number 1 is not prime. So, nor composite. So, ये जो 1 number है, इसे prime number हम नहीं कहते. Now, let's acknowledge these numbers. So, look at the order of the number from 1 to 50. So, 1 से लेके 50 तक numbers लिखे हैं. किस order में लिखे हैं? वो देखते हैं. तो सबसे पहला number आता है, जब हम counting start करते हैं, तो वो है number 1. This is number 1. अब है number 2. Then comes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Next is 31, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So these are numbers from 1 to 50. I hope it's clear, children. Now you have to observe the pattern and fill in the missing numbers. So abhi humne padhe na 1 se 50 tak numbers. To abhi hume kya karna hai, numbers ko yahan pe fill karna hai. So let's start. Take out your pencils, all of you. So here the first number is 1. Next will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 1, 0, 10. अब अगला नंबर क्या आएगा? 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20, 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 3, 5, 35, 3, 6, 36, 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40. Next is 4, 1, 41, 4, 2, 42, 4, 3,
43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. So we all have completed this pattern. Well done, all of you. Now let's move on to forward counting. Kya hota hai forward counting? Here we have to write down the numbers again. Jo numbers abhi humne likhe hai na, un numbers ko aapko dobara yahan pe likhna hai. So let's write them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Clear, children? Similarly, यहाँ पे 21 and बीच क्या आप लिखेंगे 30, 31, 40, 41, 50. तो बीच की जितने भी बचे हैं वो किसे लिखने हैं? आपको. चलिए, गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओ, यहाँ पे तो आ गया बैकवर्ड काउंटिंग. अभी हमने क्या किया था? फॉरवर्ड काउंटिंग. जब हम 1 से लेके 50 तक काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसे कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? बैकवर्ड, हमें पीछे जाना है. बिना पीछे देखे हमें पीछे जाना है. तो एक एक स्टेप पीछे जाएंगे हम. तो पहला नंबर क्या है? अब तो हम 50 तक आ चुके हैं लिख के. तो 50 से पहले कौन सा नंबर आता है? इट इज 49. तो एक स्टेप पीछे जाना है, तो आ गया 49. अगेन 4 और 9 से पहले कौन सा नंबर आता है? 8. सो 48. अगेन 4, अब 8 से पहले आता है 7. सो 47. अगेन, अब 7 से पहले आता है 6. 46. अगेन, अब 6 से पहले आता है 5, तो आ गया 45. अगेन, 5 से पहले आता है 4. 44. 4 से पहले आ गया 3, तो बन गया 43. 42. और 2 से पहले आता है 1. सो हमें क्या करना है? 10 फिंगर्स में से 1 फिंगर बन करते जाना है और जल्दी से इस काउंटिंग को कंप्लीट कर देना है. तो क्या है बैकवर्ड काउंटिंग के नंबर्स? 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 और 41. ओके, अब हम 41 तक तो पहुंच गए. अब 1 से पहले क्या आता है? 0. तो यहाँ पे आ गया अगला नंबर 40. अब फिर से हम क्या करेंगे? 0 तक आ गए, अब हमें 4 में से 1 कम कर देना है. तो 4 में से 1 बंद किया, कितने बचे? 3. तो यहाँ लिख देते हैं 3 और अब 0 के बाद लिख देते हैं 9. तो नंबर बन गया 39. अगेन 39 से पहले आया 38. 9 फिंगर्स खोली थी मैंने, उसमें से एक बंद कर दी, कितनी बची? 8. अब
8 लिख दिया, एक और बंद कर दी, कितनी फिंगर्स बची? 7, तो आ जाएगा 37। सिमिलरली अब 7 के बाद एक और फिंगर बंद की तो कितनी बची? 6, तो आ जाएगा अगला नंबर 36। अब 6 में से एक और बंद कर दी, कितनी बची? 5, 35। नाउ 5 में से भी एक बंद कर दी, बची 4, तो नंबर है 34। 4 में से एक और बंद की, क्या बचा? 3, सो द नेक्स्ट नंबर इज 33। अब 3 में से एक और बंद कर दी, कितनी बची? 2, 32। एक और बंद कर दी तो बचा 1, 31। और इस 1 को भी बंद कर दिया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो जल्दी से 3 लिखते हैं और 0 लगा के 30 कर देते हैं। सेम करना है अब हमें, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है, तो अब 3 में से हम 1 को क्लोज कर देंगे, कितनी बची? 2, सो वी विल राइट हियर 2 एंड देन 9, 29। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 28, 27, 26। आप देख सकते हो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, 25, 24, 23, 22 एंड देन 21। क्लियर? अब 21 के बाद वापस आते हैं 2, 0, 20। अब यहाँ पे 0 बचा है, 2 है, 2 में से 1 को हमने क्लोज कर दिया, कितनी बची? 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और यहाँ वापस से आ जाएगा 9, सो 1, 9, 19, 1, 8, 18, 1, 7, 17, 1, 6, 16, 1, 5, 15, 1, 4, 14, 1, 3, 13, 1, 2, 12, 1, 1, 11। अब 11 से पहले आ गया यहाँ पे 10, सो 10 के पहले आया 9, देन 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So these were the backward counting, children. I hope आपको क्लियर हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग किसे कहते हैं और बैकवर्ड काउंटिंग किसे कहते हैं. सो क्विकली यू हैव टू लर्न दीज नंबर्स. बैकवर्ड काउंटिंग आपको 50 तक लर्न करनी है. सो चिल्ड्रेन नाउ लेट्स डू काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100. सो हियर वी विल राइट डाउन द काउंटिंग्स फ्रॉम 1 to 100. सो हियर द फर्स्ट नंबर इज गिवन, लेट्स राइट हियर 1, then 2, next is 3, 4, 5, on the next page 6, 7, 8, 9, 10. Clear? Now again, after 10, we will start from 11, 12, 13, 14, 15, then 16, 17, 18, 19, 20. Then 21, 22, 23, 24, 25. Next, 26, 27, 28,
29, 30. अब 30 के बाद क्या आएगा? 31, then 32, 33, and then so on till 40. फिर आएगा 41, 42, 43, and then so on till 50. Then here it will come 51, 52, and then 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Now here will come 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Then 71 till 80. Now 81, 82, 83 till 90. Again here 91, 92, 93, 94, 95. Then on the next page 96, 97, 98, 99, and 100. So like this we have to write down the counting till 100. I hope children this is clear to you. So we have written up till 100 here. Now let's move on to the next topic. Now let's learn forward counting up to 100. So here you can see the order of the numbers. Numbers ka order diya gaya hai. And it starts from 1. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Again, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Next, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. So this is counting from 1 to 100. So what you have to do, you have to practice this. Now, after practicing the given numbers, let's
कंप्लीट द गिवन पैटर्न. यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, उसे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. सो इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नेक्स्ट इज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आप 21 की लाइन 30 तक जाएगी, 31 की लाइन 40 तक जाएगी, 41 की लाइन 50 तक जाएगी. तो यहाँ तक तो हमने प्रैक्टिस कर रखा है, चलिए अब उसके आगे प्रैक्टिस करते हैं. सो यहाँ तक आपको खुद से फिल करना है. नेक्स्ट आता है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. क्लियर? आप सिमिलरली 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. क्लियर है चिल्ड्रन? आप सिमिलरली 71 से 80 तक, 81 से 90 तक, क्लियर? 91 से 100 तक आपको काउंटिंग लिखनी है. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स प्रैक्टिस बैकवर्ड काउंटिंग. तो अभी हमने बैकवर्ड काउंटिंग कहां से पढ़ी थी? 50 से लेके 1 तक. अब हम कहां से पढ़ेंगे? 100 से 1 तक. तो 50 से 1 तक तो सबको ही आती है. अब हम 100 से 51 तक पढ़ते हैं, बाकी तो आपको आती ही है. सो लेट्स सी, द फर्स्ट नंबर इज 100. अब 100 के बाद आपने एक स्टेप पीछे गए तो आया 99, फिर आएगा 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. अब 91 के बाद अगला नंबर आता है 9090. अब सेम करेंगे, 9 फिंगर्स खोला है, 0 हट गया अब 9 के पहले, तो 9 में से हमने एक क्लोज कर दिया, तो क्या बचते हैं? टोटल 8. तो 8, 9, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. क्लियर? अब 81 के बाद अगला नंबर आता है 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72 और 71. सिमिलरली 71 के बाद आता है 70. नेक्स्ट 69, 68, 67, 65, sorry, 66, 65, 64, 63, 62, 61 and then 60. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Next is 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Next is 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 and then 30. Next 29, 28,
27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Next is 20. Then 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and then 1. So these are the numbers from 100 to 1 in the backward form. Now what we have to do, we have to observe the pattern and fill in the missing numbers. तो यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कौन सा पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है. तो जल्दी से देखते हैं, सबसे पहला नंबर 100 है, इसका मतलब ये तो बैकवर्ड काउंटिंग है. बैक अब 100 के बाद आ रहा है 96, तो बीच में कौन से नंबर आएंगे, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 and then 91. 91 से पहले आया 90, फिर आया 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. अब 81 के बाद है यहाँ पे 80, तो 79, 78 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे 71 है, यहाँ पे आएगा 70, 70 से पहले आएगा 69, 68, 67 एंड यहाँ पे आ गया 61, 61 से पहले आया 60 और 60 से पहले आता है 59, देन 58 एंड कंप्लीट करके हम कहाँ तक आ जाएंगे, 51 तक. 51 के बाद यहाँ पे क्या है, 40. यहाँ पे भी बैकवर्ड काउंटिंग है, तो 40 से पहले है 39, 38, 37, 36 एंड सो ऑन. कहाँ तक, 31 तक. 31 के बाद यहाँ पे आया 30, 29, 28, 27 एंड देन वी हैव टू कंप्लीट टिल 21. अब 21 के बाद आया यहाँ पे 20, 19, 18 एंड देन हम आ गए 11 तक. सिमिलरली अब 11 के बाद यहाँ पे आएगा 10, 9, 8, 7 और 1 तक हमें करनी है काउंटिंग को कंप्लीट. सो द लेफ्ट ओवर जहाँ पे भी जगह बची है वहाँ पे कौन करेगा काउंटिंग, आप. और यहाँ पे काउंट करके आपको लिखना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फन टाइम. यहाँ पे भी कुछ हमें बहुत ही अच्छा सा करना है. क्या करना है, Look at the color code and color the picture accordingly. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से एक पिक्चर दी गई है आपके बुक में और उसमें आपको क्या करना है, कलर करना है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में, इन नंबर्स को पढ़ना है और इन नंबर्स से मैच करना है. तो जो नंबर जिस भी कलर में है उस कलर को हमें यहाँ पे फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 73 कौन सा कलर है, लाइट ग्रीन. तो जल्दी से हम लाइट ग्रीन लेते हैं एंड हम जो है इस पिक्चर को, इस 73 वाले पार्ट को कलर कर देते हैं. सो ये जहाँ पे भी ये 73 लिखा है ना, इस पूरे पार्ट को हमें क्या करना है, कलर. सो बहुत ही अच्छे से बिना लाइन से बाहर जाए हमें इस पिक्चर को करना है कलर. क्लियर.
अब यहाँ पे लिखा है नंबर 27. 27 में कौन सा कलर है? पिंक. सो चलिए जल्दी से देखते हैं कहाँ पे है पिंक कलर. यहाँ पे है पिंक कलर, तो जल्दी से पिंक कर देते हैं 27 में. लाइक दिस वी हैव टू कलर दिस पिक्चर. 27 जहाँ पे भी लिखा है वहाँ वहाँ पे हम करेंगे इस कलर को. यहाँ पे भी लिखा है 27, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे भी कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे भी 27 है तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे भी कर लेते हैं. ये क्या है? ईयर. यस. नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है 86. 86 में है कौन सा कलर? ऑरेंज कलर. तो चलिए जल्दी से ऑरेंज कलर लेते हैं एंड लेट्स डू इट. तो यहाँ पे जल्दी से कर देते हैं ऑरेंज कलर. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस पिक्चर चिल्ड्रेन. अब 86 यहाँ पे भी लिखा है तो इस एरिया में भी हमें 86 मींस इस ऑरेंज कलर को करना है. और कहाँ लिखा है 86? यहाँ पे भी लिखा है तो यहाँ पे भी हम करेंगे इस फोरहेड वाले एरिया में. क्लियर. नेक्स्ट अगला नंबर है 44. तो जल्दी से देखते हैं 44 कौन सा है. दिस ग्रीन कलर. तो जल्दी से इस ग्रीन कलर को ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ है ये ग्रीन कलर. चलिए सो लेट्स डू दिस ग्रीन कलर हियर. तो इस पूरे एरिया में जहाँ पे भी क्या लिखा है 44, यहाँ पूरे में ग्रीन कलर और ये वाला लाइट ग्रीन कलर करना है हमें. क्लियर. सो लाइक दिस यू हैव टू कलर दिस पिक्चर. अगला नंबर है 62. यहाँ पे लिखा है तो हम इसमें करेंगे डार्क ग्रीन कलर. सो लेट्स फाइंड आउट द डार्क ग्रीन कलर. हियर इट इज. तो जल्दी से यहाँ पे हम डार्क ग्रीन कलर कर देते हैं. और कहाँ पे है 62? यहाँ पे लिखा है 62, तो जल्दी से यहाँ कलर कर देते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा है 62, यहाँ पे भी कर देते हैं. और जहाँ पे भी लिखा है वहाँ आप कर देना. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट कलर है 58. 58 है डार्क ब्राउन कलर. तो जल्दी से देखते हैं डार्क ब्राउन कलर कहाँ पे है. हियर इट इज. तो जल्दी से इस 58 नंबर को यहाँ पे डार्क ब्राउन से फिल कर देते हैं. सिमिलरली यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, और भी जहाँ पे भी चिल्ड्रन डार्क ब्राउन कलर होगा यहाँ पे करना है. सैम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है. अब जैसा ये फॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब आप पूरे पिक्चर को फिल कर देंगे तो क्या होगा, एकदम सेम ऐसी पिक्चर आपको दिखाई देगी. अब यहाँ देखो यहाँ पे है 62 नंबर मींस डार्क ग्रीन कलर. अभी हमने डार्क ग्रीन कलर चूज किया था ना, कहाँ गया डार्क ग्रीन कलर, यहाँ पे है. तो यहाँ पे भी हमें ये डार्क ग्रीन कलर इस पेड़ में, इस इन लीव्स में करना है. सिमिलरली 11 नंबर है आपका स्काई ब्लू कलर. तो स्काई ब्लू कलर हम कर लेते हैं. सो लेट्स डू दिस स्काई ब्लू कलर. ये पूरा हो जाएगा कौन सा नंबर है, 11 नंबर स्काई ब्लू कलर. तो ये कलर हम यहाँ पे फिल करेंगे. सो चिल्ड्रन ऐसे ही आपको इस पिक्चर को कलर करना है ब्यूटिफुली. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. I hope you enjoy counting numbers from 1 to 100. Also, we also did backward counting from 100 to 1. So I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and take care.